प्रोग्राम तो बढ़ गया है। कहाँ पे बैंटा लगाया है? बाबा मैं गांडू भाई, मैं तो कहता हूँ इस कप्तान को ही चेंज कर। क्या बड़ा है, चंगा भला सानू उन्होंने मत मार के रखती इंडिया की टीम ने यार। सारे आज क्या हुआ भाई, आज तो बंदर ही बन गया बिल्कुल, क्या किया आज आप? हाँ यार, ये तो ऑर्डर उनको हमने आउट करना है, जिसमें शुमन गिल आता है, रोहित शर्मा आता है, विराट कोहली आते हैं, टॉप ऑर्डर को आउट करना है। मैंने बैटिंग की है ना दोबारा इंडिया वालों ने, उन्होंने आराम से खेला, उनके पूरे ओवर खेलेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको माफी दे दी है। प्रोग्राम तो बढ़ गया है। ओके सर, ओडीआई में क्या कहेंगे इस पे, 306 बना दिया जाता है प्लेयर है। अच्छा, रोहित शर्मा को कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। स्कोर है ये 15 ओवर का स्कोर है, पता है आपको? मतलब ये स्कोर ही नहीं यार, ये कुछ भी नहीं, ये हलवा है यार। इस तरह क्रिकेट की दुनिया में हम नेपाल के साथ कंपेयर करेंगे? लो जी, इतनी बड़ी बात कर दिया। नहीं खेला जाता आप लोगों से, बताए ना इंडिया के साथ खेला। सर मुझे इंडिया के सामने जब भी चले जाते हैं ना, तो इनकी मतलब वो कहते हैं ना प्रेशर हो जाता है, तो मतलब कोई भी खेला वो हमारे बाबर आजम के लिए है, क्योंकि वहाँ पे वो अपना ओडीआई के रनिंग पूरी कर लेते हैं। 50 ओवर है वो भी इंडिया को दे रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं, यानी कि कम से कम टारगेट देना कम से कम भाई 302 पता है। यार आपने बाबर आजम साहब को खुश कर दिया, नेपाल की टीम आ गई। कल नहीं खेलता उसने 50 हुआ है, जब उसका 50 हुआ है मेरे आज मुझे, मैं झूठ नहीं बोला, मुझे पता 50 हो गया, मैं कैसे फारिग हो जाना नाम से। और हिटमैन ने आज करके दिखाया कि वाकई ही हिटमैन होता है, और 306 मार दिया उन्होंने ओडीआई के अंदर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आज? अल्लाह का करम। मैच देखा कैसा लगा? प्रोग्राम तो बढ़ गया है। कहाँ पे बढ़ा है, चंगा भला सानू उन्होंने मत मार के रखती इंडिया की टीम ने यार। सर मुझे बताए क्या किया आप? पहले हमारे बाबर आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एक दिन पहले, हमने पूरी प्लानिंग ली हुई है, शेन अफरीदी ने पूरी प्लानिंग की हुई है कि हमने जो है ना फर्स्ट के तीन जो है उसको क्या कहते हैं टॉप ऑर्डर, उनको हमने आउट करना है, जिसमें शुमन गिल आता है, रोहित शर्मा आता है, विराट कोहली आते हैं, टॉप ऑर्डर को आउट करना है। मैंने पूरी शाइन को मैंने पूरा बता दिया हुआ है, हम प्लान हमने डिस्कस नहीं करना। उन्होंने जो प्लानिंग ली हुई थी ना, वो फैमिली प्लानिंग ली हुई थी कि बच्चे दो ही अच्छे। अच्छा, वो प्लानिंग उन्होंने ली थी, बाकी ग्राउंड वाली प्लानिंग वो। प्रोग्राम तो बढ़ गया ना सर, मुझे बताया प्रोग्राम बढ़ गया हमारे, क्यों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो हमें, अगर यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर साहब करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि मैं आपको सबको बताऊंगा स्टेडियम में जाके, और मैं पिक्चरों में बताऊंगा कि यह क्या उन्होंने परफॉर्म किया। नहीं नहीं, वो जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, वो सेम वही थी जो पीटीआई के खिलाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, ये वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाकी उनका जो एक होम ग्राउंड पेपर वर्क होता है ना, वो नहीं था बिचारों का। और सबसे बड़ा ये जो एक ह्यूज डिफरेंस है ना, वो ये है जो रियलिटी में आप देखेंगे इंडिया की टीम बहुत बड़ी टीम है, एक मजबूत टीम है, सबसे पहली ये चीज़। तो उसको पहले आप माने, फिर उसके बाद आप इसकी प्लानिंग पे आएँ, गेम के ऊपर आएँ। तो पाकिस्तान की टीम इंडिया के मुकाबले में एक कमज़ोर टीम है। हमें क्या कहा जाता है जी, पाकिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। कल के बाद लोगों का दिमाग ख़राब हुआ कि श्रीलंका पे अब्दुल्ला शफीक चल गए, और अगर हम बात करें रिजवान चल गए, तो हमारी वाम का दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने कहा जी हमारे तो ऐसे हो गया, हम तो बड़ी अच्छी टीम हो गई है, तो फिर पहले क्यों ऐसे हल करते हैं काम के बाद में फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ता है? भाई वही बात है ना कि एक जो मैच्योरिटी होती है ना, वो टीम में नहीं है। आप देखें ना कि इंडियन या कोई भी इंग्लैंड के प्लेयर जब खड़े होते हैं टीम पे, तो उसमें ये होता है कि 2-3 प्लेयर भी अगर वो खड़े हैं ना, तो अपनी टीम को मैच जिता देते हैं। तो पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर हैं ना, इनमें कोई भी ऐसा प्लेयर हमें नहीं नज़र आता कि जो एक मैच विनिंग प्लेयर हो, ठीक है? तो ये एक बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। लेकिन दूसरी ये बात है, क्रिकेट बाय चांस होता है, तो उसमें अगर पाकिस्तान को चांस मिले तो पाकिस्तान उन चांस की बुनियाद पे जीत सकता है। चांसों पे अभी सर, चांस पे है ना। अच्छा मैं अब एक बात करने जा रहा हूँ, जो कि एक रिकॉर्ड बनाया, रोहित शर्मा का तो नाम सुना होगा, जो कैप्टन है। हाँ, वो जो इंडिया का कैप्टन है, वो अगर परफॉर्म नहीं करते तो अगला परफॉर्म करके वो लेवल कर देते अपना। अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान के मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आज भी उन्होंने अच्छा आज पाकिस्तान की बॉलिंग को एक्सपोज कर दिया उन्होंने, कि नंबर वन बॉलिंग कोई भी नहीं है आपकी, बैटिंग भी कोई भी नहीं है आपकी। आज उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया जो ICC ने भेजा है, और ODI के अंदर 306 मार चुके हैं वो,
एक रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने ओडीआई के अंदर। ठीक है, क्या कहेंगे सर, वन डे में उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, कभी अभी 300 छक्के। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखो, जो अपने चंद बड़े प्लेयर्स हैं ना, जिनमें से मतलब सबसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो उसमें बाबर आजम का भी शुमार उनमें होता है। अच्छा, लेकिन ये जो है ना अपना विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनको हमेशा शुरू से पसंद किया है, चाहे हमारे ओपोनेंट टीम में होते हैं इंडिया में, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता किस टीम से हैं, हमें एज ए प्लेयर उनको जांचना चाहिए। और वो वाकई में एक बड़ा प्लेयर है कि जो वन मैन सोलो प्लेयर है कि जो मैच विन करवा सकता है। सर, हिटमैन के नाम से, और हिटमैन ने आज करके दिखाया कि वाकई ही हिटमैन हिटमैन होता है, और 300 छक्का मार दिया उन्होंने ओडीआई के अंदर। हाँ जी, नहीं बड़ी अच्छी बात है कि 300 छक्के का तो नहीं बनाया, लेकिन अभी एक बड़ी गर्म टीम आ रही है नेपाल की, आपको पता है। यार, आपने बाबर आजम साहब को खुश कर दिया, नेपाल की टीम आ गई, अब बाबर साहब खुश हो गए। हाँ जी, बहुत लुटिया मार रहे होंगे। अब ये जो है ना नेपाल की टीम, आपको पता है कैसे रिकॉर्ड बना रही है, तो उसके जो प्लेयर है ना वो 300 के 400 छक्के भी मारे। तो वो तो हमारे बाबर आजम कहते हैं नेपाल की टीम हमारी कुछ नहीं, हमारे लिए नहीं, नहीं हमारे लिए नेपाल की जो टीम है ना वो हमारे बाबर आजम के लिए है, क्योंकि वहाँ पे वो अपना ओडीआई के रनिंग पूरी कर लेते हैं। ये बार राइट है, लास्ट पे यही हो जाएगा ना, जिस तरह अब हमारा इकोनॉमिकली सोमालिया, अफ्रीका, अच्छा, और ये शुमार हो जाएगा हमारा, फलस्तीन, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, वहाँ पे हमें कंपेयर किया जाता है ना, इस तरह क्रिकेट की दुनिया में हम नेपाल के साथ कंपेयर करेंगे। लो जी, तो ये इतनी बड़ी बात कर दी है, लास्ट में क्या कहेंगे, 300 छक्के का रिकॉर्ड बना लिया है रोहित शर्मा ने। लास्ट पे रोहित शर्मा को कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद, और पाकिस्तानी टीम के लिए उससे बड़ी मुबारकबाद के हार गए, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। ओके सर, वो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे बताएं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखा है? जी देखा। कैसा लगा? सर देखें, पाकिस्तान हार गया, बहुत दुख हुआ। सर मुझे बताएं, आप दुख तो हम कर लेते, मुझे बताएं हमारा हमने स्क्वाड क्यों हम इतना गलत ले गए, तो हमारा स्क्वाड चल नहीं पा रहा, कहीं पर भी हम बात करें तो हमारे भी जो कैप्टन है वो भी ये बात कर रहे हैं जी, वो आगे दो दो तीन तीन गप्पे गुप्पे मार के निकल जाते, क्या वजह है? इस तरह तो नहीं पाकिस्तान आगे मैच लीडिंग, सर जो हमारी टीम लीडिंग है ना, ये मतलब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है हमारे, जो मतलब है देखा जाए कि कैप्टन है, कैप्टन भी ठीक नहीं है, बाकी देखें आज कैप्टन ने ठीक अपनी तरफ से मतलब 4+ किया तो उसने ठीक खेला है, लेकिन हमारी जो है ना वाम भी नहीं, कैप्टन बाबर ने क्या खेला? अच्छा अच्छा अच्छा, खेला नहीं यार, नहीं ये कह रहे हैं बाबर ने ठीक खेला है, अब आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे बाबर ने कैसा खेला? क्या खेला बाबर ने सर? मुझे बताएं, अपनी वो अपने मुफाद के लिए खेलता है, वो अपने लिए खेलता, आपके लिए नहीं खेलता, पाकिस्तान की वाम के लिए नहीं खेलता, उसने 50 हुआ है, जब उसका 50 हुआ है, मेरे आज मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे पता 50 हो गया, मैं कैसे फारिग हो जाना है, तो वो फारिग हो गया उसके बाद। भाई जान, आज का जो मैच था ना मजाक था, मैच नहीं था, समझ में आई बात? कैसा मजाक? मजाक ही किया ना, ये कुछ टारगेट है यार, 191 50 ओवर है, वो भी इंडिया को दे रहे हैं आप। इंडिया को दे रहे हैं, यानी कि कम से कम टारगेट देना, कम से कम भाई 302 302.5 फिर टारगेट माना जाता है, 191 को टारगेट है, शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। आप क्या कहेंगे बाबर आजम तो परफॉर्म भी नहीं किया, अगर हमारे पाकिस्तानी टीम जो भी है ना, इंडिया के सामने जब भी चले जाते हैं ना, तो इनकी मतलब वो कहते हैं प्रेशर जाता है, तो मतलब कोई भी खिलाड़ी आप देखें, चाचे को देखें, मतलब उसने 4 रन मारे, मतलब कोई भी है, रिजवान से नहीं खेला, नहीं खेला, मतलब कुछ से भी नहीं खेलेगा सर, अगर खेलें टोटल नहीं खेले, रिजवान को देख लें यार, अभी जो परसों मैच हुआ था श्रीलंका के साथ, 131 स्कोर मारा रिजवान ने, आज क्या हुआ भाई, आज तो बंदर ही बन गया बिल्कुल, क्या किया आज आप? हाँ यार, ये तो गलत बात है ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई और वो मतलब प्रेशर, सर प्रेशर पाकिस्तान की गलत बात, देख लें रिजवान श्रीलंका को ऐसे करके दिखा रहा, आज क्या हुआ, इंडिया को क्या, इंडिया के साथ नहीं खेला जाता आप लोगों से, बताएं ना इंडिया के साथ। सर मुझे बताएं, आपने जिससे बात की, मैं वही बात करने, मैं भाई वही बात करता हूँ, आपने की जा सकता फट जाती है, मैं वही बात कर दे, हमारे बाबर आजम प्रेस, उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो कहते हैं जी मैंने शहीन को प्लान बता दिया हुआ है सारा, शहीन ने 3 बंदों को आउट करना है टॉप ऑर्डर को, ये टॉप ऑर्डर को, वो तीनों ने भी पैंटा लगाया उन्होंने, बिल्कुल रोहित शर्मा ने पैंटा लगाया, गिल तो निकल गया, गिल तो उन्होंने बैटिंग की है ना दोबारा इंडिया वालों ने, उन्होंने आराम से खेला, उन्होंने कहा पूरे ओवर खेलेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको माफी दे दी है कि 30 ओवरों में स्कोर उन्होंने पूरा कर दिया, सारी रात को फील्डिंग करवाते, 50 ओवर पूरे खेलते, वो तो जीते पड़े थे, अगर वो चाहते तो 20 ओवरों में स्कोर पूरा कर सकते थे, स्कोर है ना, उन्होंने जानबूझ के जो है ना 30 ओवर खिलाते रहे, 191 स्कोर है, ये 15 ओवर का स्कोर है, पता है आपको,
मतलब ये स्कोर ही नहीं यार, ये कुछ भी नहीं, ये हलवा है यार। मतलब इंडिया के आगे तो लड़कियां खेल लेती हैं यार, खुदा का खौफ करो भाई। आज ही न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था, 20 मैच था, देखा है आपने? जी मैंने देखा सरकार, लंडन मैच देखें और इसको देखें, आपको शर्म आएगी। अच्छा सर, मैं बताने जा रहा हूँ कि एक अचीवमेंट भी हुई है, मैं वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ कि इंडिया के रोहित शर्मा भी कैप्टन हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। आज उन्होंने हमारी बॉलिंग एक्सपोज कर दी है, हमने शाहीन अफरीदी को उन्होंने पैंटा लगाया, जिस तरह हमारे बाबर आजम साहब कह रहे हैं मैं टॉप ऑर्डर को तीनों को आउट करेगा, मगर वो तीनों ने भी पैंटा लगाया है। बाबर आजम भाई गांडू भाई, मैं तो कहता हूँ कप्तान को ही चेंज करो, यकीन करो फिर आप सही खेलोगे। गाली क्यों हमने दे दी कप्तान को? किया क्या पिछले एशिया कप में उसने ऐसे ही किया? अच्छा चले ठीक है, आपका आपका ओपिनियन है। अच्छा मुझे ये बताएं, रोहित शर्मा ने 300 छक्का मार दिया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आईसीसी में, ओडीआई में, क्या कहेंगे इस पे? 300 छक्का बना दिया, माना जाता है प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है वो। अच्छा तो 300 छक्का आज तक किसने मारे? आप सरकार भाई के पैसे लगे हुए थे पाकिस्तान टीम नहीं, पे भाई सर कोई बैठ नहीं, बहुत बड़ा दुख हुआ है भाई को, इसलिए भाई जो है ना रोने यार। बाबर आजम तो वैसे ही जिंदगी में आज तक पाकिस्तान पे बैठ नहीं लगा, यकीन करोगे जिंदगी में आज तक। बाबर आजम हीरो हैं, हीरो थे, हीरो रहे, हीरो आप कहते हो दिल की धड़कन। ये चंद लोग मैं यार तुम निकल।